नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं रानी ताल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, जहां पर सांसद खेल महोत्सव का आयोजन हो रहा है। यहां पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेलों के साथ साथ कई परंपरागत खेलों का भी आयोजन हो रहा है। हमारे साथ कुछ प्रतिभागी हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं और इस खेल महोत्सव के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सभी का स्वागत है द खबरदार न्यूज पर। आप लोग जैसे प्रशस्ति पत्र हाथों में लिए हुए हैं, तो कौन कौन से खेलों में आप लोगों ने हिस्सेदारी की है? जैसे ये सारे के सारे परंपरागत खेल हैं, और पहले किसी जमाने में शायद आप लोगों के बचपन में, कुछ हद तक हम लोगों के बचपन में भी खेले जाते थे, लेकिन जो वर्तमान दौर है, जो वर्तमान दौर के बच्चे हैं, वो वीडियो गेम्स और फोन की दुनिया में इतने मशगूल हो गए हैं कि इन खेलों से जो है तो उनका परिचय नहीं है। तो यहाँ पर बचपन के बाद आज ये खेल को खेल करके कैसा लगा? ऐसा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। एक एक करके हम सबके पास है। बहुत ही अच्छा लग रहा है, अपनी पुरानी यादें, स्कूल के समय की पूरी बचपन लौट आया है। जी, आपका नाम? सुनीता सिंह सिसोदिया। और यहाँ पर आप लोग जैसे आए, तो निश्चित तौर पर एक साथ सारे लोग नहीं आए होंगे, नए नए मित्र भी बने होंगे, ये कैसा अनुभव रहा है? बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ है। जैसे ये दीदी हैं, ये नई, ये सारी बहनें हैं जो ये नई मित्र बनी, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं भेड़ाघाट से आई हूँ, मेरा नाम संध्या सिंह है। तो कौन कौन से खेल खेले आप? मैंने रस्सी कूद, चिटी धप और कंचा और पिट्टू। आपके द्वारा कौन कौन से खेल खेले गए, परिचय सहित बताइएगा। चिटी धप खेला और रस्सी कूद, कंचा। कितने सालों के बाद खेला होगा ये लगभग? बहुत साल बाद खेला है। आपका नाम? संध्या उसरेट। जी, इन सब प्रतियोगियों में आप सबसे कम उम्र की हैं। जी, तो आपने बचपन में ये खेल क्या खेले थे कभी? जी, एक्चुअली वी प्लेड इन अवर स्कूल टाइम। जी हाँ, स्कूल्स में खेलते थे, उसके बाद कॉलेज लाइफ से तो दूर ही हो गए इन सारे खेलों से। तो इन एक्टिविटीज को यहाँ पर करके कैसा लगा? इट वाज लाइक बचपन जो होता है ना, टीनेज वापस आ गई है। इट्स लाइक फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। आपका नाम? आकृति गर्ग। जी, आपका परिचय जानते हुए जानना चाहेंगे कि अब जैसे काफ़ी उम्र हो चुकी है, प्रौढ़ावस्था की तरफ अग्रसर हो रही हैं आप, तो लेकिन यहाँ बचपन को जी करके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा अनुभव था। मतलब कम से कम 30-35 साल बाद ये खेल कूद किए और बहुत अच्छा लगा। जी, एक बार दोबारा ऐसा अनुभव हुआ कि हम बचपन में फिर से बचपन में आ गए हम। किस खेल में आपको ये प्रशस्ति पत्र मिला है? अच्छा लगा खेल के। नहीं, किस खेल में ये प्रशस्ति पत्र आपने जीता है? जे हमने पिट्टू में खेला है। जी, और आप? हमने भी पिट्टू में जीता है। जी, जीता है आप? प्रमाण पत्र प्राप्त लिया है, लिया है। खेल में जीतना और हारना होता रहता है, लेकिन जीत एक गजब का उत्साह देता है। तो कुर्सी दौड़ भी अभी चल रही थी यहाँ पर, तो कुर्सी दौड़ में कौन प्रतियोगी जीता है अभी? अच्छा, सेकंड विनर ये है। जी, तो कैसा लगा सेकंड विनर बनने? बहुत अच्छा लगा। जी, प्रमाण पत्र सबको लगभग समान सबको मिल रहा है। जी, आपका नाम? रचना चौधरी। शहर वासियों से क्या कहना चाहेंगी आप, जो सांसद ये खेल महोत्सव चल रहा है, तो उनसे क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहूंगी कि सभी, भले बच्चे हों, भले बुजुर्ग हों, भले एक जवान हों, उनको सबको खेलना चाहिए। और जैसा कि सभी को मालूम है कि आज सांसद खेल महोत्सव चल रहा है, जिसमें कि हम लोग जबलपुर ग्रामीण की बहनें हैं, सब लोग, हम लोग जितने भी लोग हैं सब जबलपुर ग्रामीण की बहनें हैं, जो आज हम लोगों ने सब इकट्ठा होकर यहाँ पे खेल खेला और अपने वो पुराने दिन याद किया है जो स्कूलों में कभी खेला करते थे। स्कूल के बाद से तो मेरे को लगता आज
30 40 साल हो गए, उसके बाद आज ये खेल का मौसम देखने को मिला और खेलने को मिला, तो उससे वो दिन याद आ गए जो हम लोग पहले खेलते थे, और लगा कि जैसे वही एनर्जी आज भी है जो हम लोग खेले हैं। लग नहीं रहे हैं जो हम लोग कितना उम्र के हो गए, ये बचपन फिर से एक बार एज हो गई है, आज बचपन के दिन याद आ गए, बचपन के दिन हम लोग को याद आ गया। तो काफी अच्छा लगा, और एक चीज हम जरूर यहाँ पे बात करेंगे कि एक जमाना हुआ करता था जब बच्चे घर के बाहर जब खेलने के लिए जाते थे तो उनकी माएँ कहा करती थी, क्योंकि माँ ही होती है जो बच्चों को पालती है और उसकी सबसे ज़्यादा केयर करती है, तो माँ कहती थी कि बेटा घर के अंदर आ जाओ। और आज का वो दौर है जो मोबाइल का दौर है कि बच्चे लगातार वीडियो गेम्स खेलते रहते हैं, यूट्यूब देखते रहते हैं, तो माओं को कहना पड़ता है बेटा कभी तो बाहर चले जाया करें। तो इस बारे में यहाँ पर आप लोग भी आएँ, तो जो परंपरागत हमारे खेल हैं वो हमारे लिए कहाँ तक ज़रूरी हैं, या खेले जाने चाहिए नहीं खेले जाने चाहिए? खेल का जहाँ तक है तो खेल के लिए कोई उम्र तो होती नहीं है, है ना, और यहाँ हम लोग आए हैं सांसद जी के द्वारा ये रखा गया है खेल, इसमें हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया और हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा रहता है खेल, तो सभी को भी बच्चों के साथ इंजॉय करना चाहिए, मोबाइल से बच्चों को दूर रखना चाहिए, और बस हेल्थ के लिए तो बहुत ही अच्छा है। बच्चों को क्या कहना चाहेंगे आप? बच्चों को मैं ये कहना के तौर पर, बच्चों को मैं ये कहना चाहूँगी कि वीडियो गेम और ये सारे आज के इंटरनेट के ज़माने के, लेकिन जो हमारे पुराने खेल हैं उन्हें इंजॉय करें, तो जो इंटरनेट में मज़ा है वो शायद इसमें मिले उन्हें, जो आनंद इसमें हमारे पारंपरिक खेल में है जो, तो वो इंटरनेट में नहीं। कहीं ना कहीं जो शारीरिक शरीर से जुड़े हुए फिजिकल एक्टिविटीज होती हैं वो ज़्यादा बेहतर कही जा सकती है, उनके भविष्य के लिए भी, उनके शारीरिक संरचना के लिए भी, और कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए भी। तो आप लोगों ने अपने अनुभवों को हमसे साझा किया, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। महिला मोर्चा जिंदाबाद। तो ये थे कुछ प्रतियोगी जिन्होंने यहाँ पर पारंपरिक खेलों के साथ साथ अपने बचपन को दोबारा जीने की कोशिश की, और जिसके बाद ये काफ़ी यहाँ पर आनंदित प्रसन्नचित्त दिखाई दे रहे हैं। बने रहें द खबरदार न्यूज़ के साथ, नमस्कार, धन्यवाद।